दोस्तों जब लोग प्यार में होते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की मानते हैं और उसी मनमानी का अंजाम होता है कई बार वन नाइट स्टैंड, जो एक्चुअली किसी को भी गवारा नहीं होता, यहां तक कि कई बार आपको खुद को गवारा नहीं होता। आपको लगता है कि एक्चुअली ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और आप उस गिल्ट में जीते रहते हैं। कई बार इसके कारण आप ब्लैकमेलिंग कंडीशंस में भी फंस जाते हैं और जब समय बीत जाता है ना, तब आप सोचते हैं कि ये क्या खुमार था, क्या ये मेरे किस्मत का लेखा था या सिर्फ ये सितारों का एक हेर फेर था। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ हैं द फेमस लव एनालिस्ट एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट, जो सही में आपको बता सकते हैं कि आखिर था क्या वो। तो चलिए बिना देर करे उनका स्वागत करते हैं। वेलकम आचार्य जी। जी नमस्कार। आपका लव विद एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। दोस्तों अगर आपके मन में भी अपनी लव लाइफ को लेकर या अपने किसी भी ऐसे एक्ट को लेकर कोई गिल्ट है या ऐसी कोई चीज है जो आप आचार्य जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी मन की फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, बस फोन उठाएं, इन नंबर्स पे कॉल करें जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, वन नाइट स्टैंड एक्चुअली है क्या? इज इट लव और लस्ट, या इसमें जो ग्रहों का कोई रोल है भी, या सिर्फ ये एक आदत बन चुकी है? अनुजा मुझे लगता है कि इस बात पर चर्चा करना कि ये तो देखो सबको पता है कि ही मतलब हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं और इसका वास्तविक रूप क्या है, क्यों लोग करते हैं, क्या इसकी आवश्यकता, ये सब लोगों को पता है। हम इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका निदान कर सकते हैं? ज्योतिष हमेशा सकारात्मक पहलू देखती है, क्योंकि देखिए ये बहुत कंट्रोवर्सियल संदर्भ है। एक्चुअली सही में अगर देखा जाए तो इस पर कोई वार्ता नहीं करना चाहता। पहली बार किसी को मौका मिला है कि ऐसी अव्यवस्थाओं के प्रति भी जहां वार्तालाप होता है, जो बहुत सारे घरों की प्रमुख मतलब समस्या है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करने वाला था। जिससे बात करने जाए वो खुद भी अपनी अलग एक जिज्ञासा और एक अलग मनशा सामने रखता है आपके। तो परिस्थितियों पर जो भी चीजें होती हैं, वो चाहे कोई भी कृत्य हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी ऐसा एक्ट हो जिसके प्रति हम सामान्यतः बात नहीं कर सकते, उसको ज्योतिष नकारात्मक दृष्टि से देखती है और उसको उसके इलाज के लिए हम बात करते हैं। कैसे इन सब चीजों को ना होने दें, आपके साथ हुआ, आपके बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो आप बो रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कल को आपको बच्चे काटेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे काम जिनसे हो गए हैं उनके घर, उनके आगे लड़कियां ही हैं, कल को उनके साथ ऐसा नहीं हो, या इसका कोई कुप्रभाव आपके खुद के जीवन पर नहीं पड़े, या उस चीज का आप कहीं गलत नाजायज फायदा आपका कोई नहीं उठाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम बच सकते हैं, उसका सलूशन कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। कितना भी मुश्किल सवाल क्यों ना हो, हम खोज के, ढूंढ के, रिसर्च करके ऐसी ऐसी सब्जेक्ट इसलिए जलाते हैं ताकि आपके अंदर की वो दबी हुई भावनाओं को या ऐसे कष्ट को जिसको आप अंदर अंदर रख करके दुखी हो रहे हैं, तकलीफ महसूस कर रहे हैं और किसी से बता नहीं सकते, हम आपको अवसर दे रहे हैं कि आप ऐसी चीजों को भी हमारे साथ शेयर करें और हम उसका समाधान बताएंगे। आचार्य जी बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि आप हमारे फंसे हुए कॉलर्स को, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी चीज को लेके फंसे हैं, उनको भी बाहर निकालें। स्वागत है, एकदम स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आपका नाम? मेरा नाम शबाना परवीन है। हम शबाना जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तो हाल में पटना ससुराल में हम हैं जी। बात करें आचार्य जी से। शबाना जी नमस्कार। नमस्कार पीगो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई एम सो हैप्पी, वेरी हैप्पी, और आपके दया से सब कुछ ठीक है जी। जी बताइए बेटा। प्रॉब्लम मेरा यही था कि मैं बहुत परेशान थी, मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी, लगता था कि मेरा शादी जैसे टूट जाएगा, लेकिन आपके दिया हुआ कवच पहनकर वो बहुत आई एम सो हैप्पी, और आज मेरे घर बस गया, घर मिल गया, अच्छा हो गया, हर चीज मतलब बेटर हुआ है और आगे भी बहुत बेटर ही होगा एकदम। ये आपका विश्वास और ये आपकी श्रद्धा ही है जो आपको इस बल को प्रदान कर रही है जी। यस, और आपकी भी मतलब मेहनत काम रंग लाई है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बारीकी से मेहनत को देखते हैं इसलिए करने में अच्छा लगता है। आप सबका धन्यवाद, और आपका वो जो आपकी तरफ से सद्भावना आती है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी फीस है। इस फीस के लिए ही हम लोग और ज्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक होते हैं। और हमको तो पूरा यकीन ही नहीं था कि कुछ होगा, लेकिन आपके दिया हुआ जो उपाय आपने बताया वो भी किया हमने, और वो कवच भी पहना, तो उससे काफी बेनिफिट मिला,
बस आचार्य जी मेरा भाई परेशान वहाँ हो रहा है जी, जी। और मेरा ही भाई है मोहम्मद हसनैन, उसको भी थोड़ा सा गाइड कर लीजिए। एकदम एकदम 100% गाइड करेंगे वो, और हमारे साथ इनरोल है, हम उनसे जरूर बात करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सकारात्मक चिंतन आपके अंदर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर आपको और बल प्रदान करे, सकारात्मक ऊर्जा के लिए और प्रार्थना कर दीजिएगा मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, एकदम एकदम करेंगे, एकदम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक थैंक यू कॉल सबके मन में इतनी खुशी और चेहरे पे चमक ले आता है। तो अगर आप भी ऐसा ही थैंक यू कॉल करना चाहते हैं और अगर आप भी प्रेम कवच, सिद्ध प्रेम कवच को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो बस फोन उठाइए और इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0808142694।